हे गेमर्स, अभी काफी बंदे न्यू गेमिंग स्मार्टफोन लेना चाहते हैं जिनकी बजट 10,000 के आसपास है, जिनमें पोको M6 Pro 5G या Redmi 12 5G बहुत पॉपुलर ऑप्शंस हैं और काफी सारे बंदे इन्हें परचेस करने का भी सोच रहे हैं। तो इस वीडियो में मैं इस स्मार्टफोन का लॉन्ग टर्म गेमिंग रिव्यू देने वाला हूँ। इस स्मार्टफोन को यूज करते हुए मुझे 40 दिन से भी ज्यादा हो चुका है और इसी बेसिस पर मैं आपको इस डिवाइस का परफॉर्मेंस और भी कुछ जरूरी बातें हैं जो आपको पता होना चाहिए सब बताने वाला हूँ। और 10,000 के प्राइस पर इसे परचेस करना सही रहेगा या नहीं, इस पर भी बातें करेंगे, या और भी सेगमेंट के जो पॉपुलर गेमिंग स्मार्टफोन्स हैं उनके बारे में भी कुछ आइडिया दे दूंगा आपको। और हाँ, पोको M6 Pro 5G और Redmi 12 5G दोनों सेम स्मार्टफोन्स हैं, सारे स्पेक्स भी बिल्कुल सेम है, तो आप पोको M6 Pro के रिव्यू को Redmi 12 5G का रिव्यू भी कंसिडर कर सकते हो। जिन्हें स्पेक्स नहीं पता वो वीडियो पॉज करके देख सकते हो। और इसका एंतु स्कोर और डिफॉल्ट DPI के बारे में जानना हो तो आप पहले वाला वीडियो देख सकते हो। वैसे इसका एंतु स्कोर 4,20,000 प्लस आता है और डिफॉल्ट DPI 392 है, वीडियो आई बटन पर जाकर देख सकते हो। अब सीधे गेम सेटिंग्स देख लेते हैं। हमेशा की तरह इसमें भी सारे कॉस्ट्यूम पैक्स ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है। ग्राफिक्स को अल्ट्रा पर ट्राई करेंगे हाई रिजोल्यूशन को ऑफ करके, और कुछ बंदे मैक्स ग्राफिक्स का भी परफॉर्मेंस देखना चाहते हैं तो उनके लिए भी गेम प्ले इंक्लूड कर दूंगा आगे। तो पहले आप थोड़ा सा गेम प्ले देख लो इस डिवाइस का, ताकि खुद से परफॉर्मेंस नोटिस कर सको। CS और फुल मैप गेम प्ले नोटिस करो, उसके बाद सारा कुछ डिटेल में बताता हूँ। CS को सेम अल्ट्रा ग्राफिक्स पर खेल रहा हाई रिजोल्यूशन को ऑफ करके, तो आप परफॉर्मेंस देखो। CS गेम प्ले हो चुका, अब एक फुल मैप गेम प्ले देखो। ग्राफिक्स सेम है, अल्ट्रा एंड हाई रेजोल्यूशन ऑफ। Kill.
फुल मैप भी अल्ट्रा पर हो गया, अब एक छोटा सा क्लिप मैक्स ग्राफिक्स पर देख लो। ऑल राइट, क्लैश क्वेड परफॉर्मेंस ठीक ठाक है अभी तक। अल्ट्रा ग्राफिक्स पर गेम प्ले तो हो जाता है, पर इस डिवाइस में एक छोटा सा प्रॉब्लम है, और इस डिवाइस का मतलब पोको M6 Pro 5G या Redmi 12 5G से है, ना कि सिर्फ मेरे डिवाइस से। प्रॉब्लम यह है कि ये डिवाइस कभी कभी स्लो हो जाता है और गेम बिना किसी रीजन के एकदम से बहुत गंदा लैग करता है। ग्राफिक सेटिंग स्मूथ हो, स्टैंडर्ड हो या अल्ट्रा हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। गेमिंग करते वक्त एक दो पॉइंट ऐसा आता है जिसमें ये किसी भी सेटिंग पर गंदा लैग मारता है, पर हाँ ये ज़्यादा वक्त के लिए नहीं होता है, 2-3 सेकंड में वापस नॉर्मल हो जाता है। और अगर मैं इन जनरल इसके परफॉर्मेंस की बात करूँ तो क्लैश क्वेड को मैं अभी तक अल्ट्रा ग्राफिक्स पर हल्के फुल्के फ्रेम ड्रॉप के साथ खेल पा रहा और स्टैंडर्ड ग्राफिक्स पर काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस निकाल कर दे रहा। तो लॉन्ग टर्म में आप इसमें क्लैश क्वेड को स्टैंडर्ड ग्राफिक्स पर खेलने के लिए कंसिडर कर सकते हो। फुल मैप में अल्ट्रा ग्राफिक्स पर कभी कभी अच्छा खासा फ्रेम ड्रॉप होता है, वहीं फिलहाल स्टैंडर्ड ग्राफिक्स पर अच्छा एक्सपीरियंस मिल रहा, और लॉन्ग टर्म में फुल मैप को स्मूथ ग्राफिक्स पर खेलने के लिए कंसिडर कर सकते हो। देखो परफॉर्मेंस जो है ना वो बजट के अकॉर्डिंग ठीक है, बस प्रॉब्लम है वो 2-3 सेकेंड का लैग जो एकदम से गेम के दौरान देखने को मिलता है। इसे अगर इग्नोर कर देते हैं तो बाकी का परफॉर्मेंस बहुत सही है। स्क्रीन रिकॉर्डिंग के बारे में मैंने पहले के वीडियोज़ में भी बताया है कि ये डिवाइस स्क्रीन रिकॉर्डिंग के लिए सही नहीं है। हालांकि स्मूथ ग्राफिक्स पर ठीक ठाक कर सकते हो, पर यह भी लंबे वक्त के लिए नहीं। ये स्मार्टफोन लंबी गेमिंग पर नॉर्मल हीट होता है, ओवरहीटिंग वाली कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैक्स 43 डिग्री तक नोटिस करा है मैंने 1 घंटे की गेमिंग पर, जो गेमिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल नॉर्मल है। सेंसिटिविटी के बारे में भी मैंने ऑलरेडी पहले के वीडियोज़ में बता रखा है, बहुत अच्छी सेंसिटिविटी मिलती है, आराम से वन टैप ड्रैग 360 ग्लू या फास्ट मूवमेंट सब आराम से कर सकते हो। और बैटरी बैकअप इस डिवाइस का बहुत अच्छा है, 1 घंटे की गेमिंग में ये अभी भी 12-13% बैटरी खा रहा, जो बहुत कम माल की बात है। बाकी कैमरा इसमें बजट के अनुसार ठीक ठाक मिल जाता है, डे लाइट में अच्छा खासा काम कर देता है। और अब हर पोको और रेडमी के फ़ोन में गेम टर्बो मिल जाता है, जिसमें परफॉर्मेंस बूस्ट, वॉइस चेंजर वगैरह मिल जाते हैं। तो अब कंक्लूजन पर आते हैं कि क्या इसे 10,000 के राउंड गेमिंग के लिए परचेस करना सही रहेगा या नहीं। तो देखो आप इसे कैजुअल गेमिंग के लिए कंसीडर कर सकते हो। वैसे परफॉर्मेंस हर 10,000 वाले फ़ोन की तरह सिमिलर है इसमें भी, बस वो 2-3 सेकंड का लैग वाला प्रॉब्लम फ्री में आता है, जो हो सकता है आने वाले मेजर अपडेट से फिक्स हो जाए। पर आप अपडेट के भरोसे मत परचेस कर लेना, तभी परचेस करना जब आप कैजुअल गेमिंग करते हो। और वो 2-3 सेकंड का लैग वाला प्रॉब्लम इसके GPU की वजह से भी हो सकता है, क्योंकि इस प्रोसेसर का जो GPU है वो थोड़ा वीक है। तो कस्टम एंड टूर्नामेंट प्लेयर्स के लिए ये स्मार्टफोन रिकमेंडेड नहीं रहेगा, बाकी की कैजुअल गेमर्स इसे कंसिडर कर सकते हो। और जो इस स्मार्टफोन को लेने का सोच रहे हो वो 6G वाला वेरिएंट लेना, वो भी तब जब 11,000 के आसपास मिल जाए। इससे ज़्यादा पर आप दूसरे स्मार्टफोन को चेक कर सकते हो जो परफॉर्मेंस हल्का बेटर निकाल कर देते हैं। और 10,000 के बजट में आप डायमेंसिटी 810 या डायमेंसिटी 6020 वाले फ़ोन्स देख सकते हो, या 4G में हीलियो G99 वाले फ़ोन्स देख सकते हो। पोको M5 4G अभी मात्र 7,000 के आसपास मिल रहा, जिसमें हीलियो G99 मिल जाता है, और इसका 6G वाला वेरियंट मात्र 9,000 का। तो अगर आप 4G यूज कर सकते हो तो परफॉर्मेंस के लिए पोको M5 4G को चेक कर सकते हो। सो ओवरऑल पोको M6 Pro 5G या Redmi 12 5G को कैजुअल गेमर्स ले सकते हो, प्रो गेमर्स के लिए ये स्मार्टफोन्स नहीं है। रिव्यू काम की लगी हो तो एक लाइक कर देना। मिलते अगले वीडियो में, बाय बाय।